फाइनली पठान की रिलीज में अब सिर्फ 6 दिन का वक्त बचा, आप एक्साइटेड हैं? जी काफी एक्साइटेड है भैया, फाइनली फिल्म पठान हमें देखने को मिलने वाली है, जिसका सालों साल हमने इंतजार किया, बल्कि शाहरुख खान को देखने के लिए तो लगभग 4 साल का इंतजार करना पड़ा हमें। ऐसे में फाइनली ये पठान रिलीज के लिए तैयार है, 6 दिन का समय बचा है, एडवांस बुकिंग भी देखिए आप शुरू हो रही है धीरे धीरे से इंडिया में, और देखिए PVR, आईनॉक्स, सिनेपोलिस, इन तीनों को ही मिला के अभी तक 40,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड हो चुके हैं, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। बल्कि अभी भी प्रॉपर तरीके से एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है, सिर्फ ये थोड़े बहुत जगह पे, थोड़े बहुत थिएटर्स में ये PVR वालों के थोड़े बहुत उसमें बस एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, लिमिटेड एडवांस बुकिंग में ये हाल कर दिया, तो आप सोचिए अभी पूरी तरीके से कल से शुरू होगी एडवांस बुकिंग, तब क्या माहौल बनेगा और 25 तारीख को क्या नज़ारा देखने को मिलेगा। फाइनली बादशाह की वापसी हो रही है, बॉलीवुड का बादशाह आ रहा है बॉलीवुड को बचाने के लिए। बॉलीवुड के तो देखिए हाल बेहाल थे जब से बादशाह गायब हुए, मतलब 4 साल पहले हमने देखा था 0 में, उसके बाद पैंडेमिक आ गया, फिर उसके पैंडेमिक के बाद जब फिल्में भी रिलीज हुई तो बॉलीवुड की फिल्में आप देखिए कोई चल नहीं पा रही सही तरीके से, तो ऐसे में बॉलीवुड की इज्जत बचाने बादशाह वापसी कर रहा है। 25 तारीख को पठान के जरिए बादशाह की वापसी है, साथ ही साथ बॉलीवुड की भी वापसी है। आप भी आप देखेंगे साल 2022 बॉलीवुड के लिए काफ़ी बुरा रहा है, एक से बढ़कर एक बल्कि मेगा डिजास्टर फिल्में गई हैं, एवरेज फिल्में भी आप नहीं बोल सकते, इतनी बुरी बुरी तरीके से फिल्में फ्लॉप हुई थी। ऐसे में साल 2023 की शुरुआत भी जबरदस्त तरीके से पठान के साथ होगी, साथ ही बॉलीवुड की भी इज्जत बचाने के लिए बादशाह वापसी कर रहा है, 25 तारीख को धमाकेदार ओपनिंग लेगी पठान।